हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में कि क्रेनियल नर्व क्या होती है और ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की, जहाँ हमने देखा कि हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जहाँ मीन्स जिस नर्व जो नर्व ब्रेन से निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, लेकिन जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो यहाँ हमें बात करनी है क्रेनियल नर्व्स के बारे में, मीन्स जो नर्व ब्रेन से निकल रही हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं क्रेनियल नर्व्स। तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व क्या है। क्रेनियल नर्व्स आर पेयर ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट योर ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हेड, नेक एंड ट्रंक। जो क्रेनियल नर्व है वो पेयर में नर्व होती है, जो कि कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से डिफरेंट पार्ट में। और वो डिफरेंट पार्ट क्या है, हेड, नेक एंड ट्रंक। देन जो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 12 पेयर में होती हैं, और ईच क्रेनियल नर्व्स को उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे ही उसका नाम रखा गया है। अब ये कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स हैं अब हम ये जान लेते हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेलिंग के लिए, मीन्स स्मेलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑल्फैक्टरी नर्व भी हमारे ब्रेन तक इसको ट्रांसमिट करती है। अब ये लोकेटेड कहाँ होती है, ये लोकेटेड होती है फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन। हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में ऑल्फैक्टरी नर्व लोकेटेड होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेलिंग के लिए, लोकेटेड होती है फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन। देन सेकेंड इज ऑप्टिक नर्व। सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व। ये रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए। अब ये लोकेटेड कहाँ होती है, बैक पार्ट ऑफ योर ब्रेन। गाइज एक चीज़ और बता दूँ, जब लाइट हमारे आइज में एंटर करती है या कोई रिफ्लेक्शन हमारे लाइट में एंटर करती है, तो उस रिफ्लेक्शन के साथ हमारी आइज में एक कांटेक्ट होता है विद स्पेशल रेसिपिएंट के साथ, जो कि जो वो जो कांटेक्ट होता है स्पेशल रेसिपिएंट के साथ वो रेटिना पे पड़ता है, जिसे हम रोड्स या कोन्स कहते हैं। जो ये रोड्स या कोन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाईली सेंसिटिव लाइट के लिए। और ये जो कोर्ट्स होते हैं ये मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट और नाइट विजन के लिए। देन थर्ड क्रेनियल नर्व इज ऑक्युलोमोटर। जो ऑक्युलोमोटर नर्व है इसके 2 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज मस्कुलर फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इज प्यूपिल रिस्पॉन्स। तो जो मसल्स फंक्शन है ये क्या करता है, पहले ये देखते हैं। जो मसल्स फंक्शन है ये मोटर फंक्शन प्रोवाइड करता है जो हमारे आई के अराउंड में नर्व मसल्स होती हैं। हमारा जो आई होता है उसके अराउंड में 4 to 6 मसल्स होती हैं, और ये जो ऑक्युलोमोटर नर्व होता है ये उसे मोटर फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो ये मसल्स होती हैं ये हेल्पफुल होती हैं हमारे आई को मूव करने में या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में। देन एक बार फिर से देख लेते हैं, इट प्रोवाइड मोटर फंक्शन टू 4 to 6 मसल्स अराउंड योर आईज। आई के अराउंड में पाए जाने वाले 4 to 6 मसल्स पे ये मोटर फंक्शन प्रोवाइड करती है। दीज मसल्स हेल्प योर आईज मूव एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। जो ये मसल्स होती हैं ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं आई को मूव करने में और ऑब्जेक्ट पे फोकस करने पे। देन अब प्यूपिल रिस्पॉन्स क्या है, प्यूपिल रिस्पॉन्स है जब हमारे आईज में कोई लाइट का किसी लाइट का रिफ्लेक्स पड़ता है, तो जो प्यूपिल रिस्पॉन्स है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है कि कहीं उसका साइज मतलब इंक्रीज ना हो जाए।
तो जो पीपल रिस्पॉन्स है वो साइज को कंट्रोल करता है एज इट रिस्पॉन्स टू लाइट। देन अब ये लोकेटेड कहाँ होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के। तो मिड ब्रेन क्या है? अभी हमने पहले ही वीडियो में इसका देखा था कि जो मिड ब्रेन है वो ब्रेन स्ट्रीम का ही एक पार्ट है। सो फोर्थ क्रेनियल नर्व इज ट्रोक्लियर नर्व। जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है उसे हम ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं, जो कि कंट्रोल करती है हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को। और ये मसल्स क्यों, इन मसल्स को ये कंट्रोल करती है? क्योंकि ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट के लिए। कंट्रोल करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को, एंड दिस मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट। देन अब ये लोकेटेड कहाँ होती है? बैक पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बैक पार्ट में हमारा जो ट्रोक्लियर नर्व है ये लोकेटेड होती हैं। देन फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजे माइनर नर्व। अब ये क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्राइजे माइनर नर्व होती है ये क्रेनियल नर्व में सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है। और कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि विच नर्व इज लार्जेस्ट नर्व इन क्रेनियल नर्व, विच नर्व इज लार्जेस्ट इन क्रेनियल नर्व। सो ट्राइजे माइनर नर्व इज लार्जेस्ट नर्व इन द क्रेनियल नर्व। अब जो क्रेनियल नर्व, सॉरी जो ट्राइजे माइनर नर्व होता है ये दोनों फंक्शन करता है, सेंसरी फंक्शन भी और मोटर फंक्शन भी। इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंजुबुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन क्या है इसका। जो ऑप्थेल्मिक फंक्शन है ये क्या करता है कि जो हमारा फेस का अपर पार्ट होता है उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को प्रोवाइड करता है। अपर पार्ट में मतलब क्या क्या? ब्रेन के अपर पार्ट में फेस आता है, इंक्लूडिंग आवर फोरहेड, स्कैल्प एंड अपर आईलिड्स। जो हमारा फेस होता है, फोरहेड होता है, स्कैल्प एंड अपर आईलिड जो होते हैं वो हमारे अपर पार्ट में आते हैं, मतलब फेस के अपर पार्ट में। इसकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ये ब्रेन को प्रोवाइड करता है। देन मैक्सिलरी क्या होता है? मैक्सिलरी में जो ब्रेन का मिडिल पार्ट होता है, सॉरी जो हमारे फेस का मिडिल पार्ट होता है उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन मैक्सिलरी ब्रेन को प्रोवाइड करती है। अब ब्रेन के मिडिल पार्ट, सॉरी फेस के मिडिल पार्ट में क्या क्या आता है? हमारे फेस के मिडिल पार्ट में आता है चिक्स, अपर लिप्स एंड नेजल कैविटी। देन मैंडुबुलर क्या काम करता है? जो हमारा मैंडुबुलर है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे लोअर पार्ट्स की, फेस के लोअर पार्ट्स की। अब लोअर पार्ट्स में क्या क्या है? ईयर आते हैं, लोअर लिप है, चिन है। देन उसके बाद ये आल्सो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मसल्स विद इन योर जॉ एंड ईयर। जो मसल्स हमारे जॉ एंड ईयर में मूव करते हैं ये उनके मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब ये लोकेटेड कहाँ होता है? मिड ब्रेन एंड मेंडुलर रीजन ऑफ योर ब्रेन स्टीम। जो हमारा ब्रेन स्टीम है उसमें मिड ब्रेन एंड मेडुलर रीजन में ये लोकेटेड होता है। देन अब क्या है? एब्डुसेंस नर्व। एब्डुसेंस नर्व क्या करती है? ये कंट्रोल करती है मसल्स को दैट एसोसिएटेड विद आई मूवमेंट कॉल्ड लेटरल रेक्टस मसल्स। जो लेटरल रेक्टस मसल्स होती है जो कि आई मूवमेंट के लिए एसोसिएटेड होती है उस मसल्स को ये कंट्रोल करके रखता है। जो ये मसल्स होती है ये मसल्स ऑल्सो इन्वॉल्व होती है आउटवर्ड आई मूवमेंट में, मीन्स आई मूवमेंट के आउटवर्ड में। अब ये लोकेटेड कहाँ होती है? पॉन्स रीजन ऑफ योर ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के पॉन्स रीजन में। देन अब है फेसियल नर्व। फेसियल नर्व क्या है? अब ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब ये देखते हैं। मूविंग मसल्स यूज्ड फॉर फेसियल एक्सप्रेशन एज वेल एज सम मसल्स इन योर जॉ। जो मसल्स हमारे फेसियल एक्सप्रेशन और जॉ में
जॉ मीन्स जबड़े में जो हमारे जो कुछ मसल्स होते हैं ये उनके मूवमेंट में या ये उनको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो मसल्स हमारे फेसियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं या हमारे जॉ को कंट्रोल करती हैं ये उनको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ टेस्ट योर मॉइस्ट ऑफ योर टंग। जो टंग है उसको सेंस प्रोवाइड करती हैं टेस्ट के लिए, मीन्स ये कौन सा टेस्ट है, मीन्स अगर हम कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं या कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो ये उसके लिए सेंस प्रोवाइड करती है हमारे टंग को। देन उसके बाद क्या है, जो हमारे हमारा जो हेड और नेक का एरिया है उसमें ये ग्लैंड्स की सप्लाई करती है। अब कौन कौन सी ग्लैंड है, जैसे ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड एंड टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है एंड टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड उस ग्लैंड को जो कि हमारे आंसू यानी कि टीयर प्रोड्यूस करती है। देन उसके बाद क्या है, जो हमारा आउटर पार्ट ऑफ द ईयर है उसको कम्युनिकेटिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर को कम्युनिकेटिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। अब ये लोकेटेड कहाँ होती हैं, ये लोकेटेड होती हैं पॉन्स एरिया ऑफ ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम के पॉन्स एरिया में ये लोकेटेड होती हैं। देन नाउ नेक्स्ट क्रेनियल नर्व इज वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व ये इन्वॉल्व होती है हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस के लिए, हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए और हमारे सुनने के लिए जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसे हम वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व कहते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इन सभी पॉइंट को, ये जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किसी भी क्रेनियल नर्व से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे विजन के लिए कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है, हियरिंग के लिए कौन सा नर्व इन्वॉल्व है, फेस एक्सप्रेशन के लिए कौन सा नर्व इन्वॉल्व है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली नोट डाउन करनी है। सो अब हम कहाँ थे, हाँ अब जो हमारा वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व है ये इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या हम ये कहें कि वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व टू पोर्शन से मिलकर बना है, फर्स्ट पोर्शन कॉकलियर एंड सेकंड पोर्शन इज वेस्टिबुलर। कॉकलियर पोर्शन क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल डिटेक्ट वाइब्रेशन फ्रॉम साउंड बेस्ड ऑफ द साउंड लाउडनेस एंड पिच। जो अगर हम नॉर्मली बोले तो जो हमारा वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी हमने यहाँ पढ़ा, हियरिंग के लिए, और जो वाइब्रेशन साउंड होती है ये उसे डिटेक्ट कराता है हमारे ईयर्स को, एंड जो लाउडनेस एंड जो पिच साउंड होती है ये उसे भी हमें डिटेक्ट करवाता है। देन जो वेस्टिबुलर पोर्शन है वो क्या करता है, वेस्टिबुलर पोर्शन है वो हेड को रोटेट मूव करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा हेड या हम जिसे नेक कहते हैं उसे रोटेट मूव करवाने में जो नर्व इन्वॉल्व होती है उसे हम वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व कहते हैं। देन अब ये लोकेटेड कहाँ होती है, इन्फीरियर सेरिबलर पेंडुनिकल्स में, जो कि स्टार्ट होती है ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर सेरिब्रल पेड्यूल्स। देन नेक्स्ट इज ग्लासो फेरिंजियल नर्व। अब ये क्या करती है, ये हमारे जो सेंसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन सेंड करती है ब्रेन को। सेंसेस में कौन कौन से सेंसेस हैं, यहाँ बैक ऑफ द थ्रोट, पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर एंड बैक पार्ट ऑफ योर टंग। थ्रोट का बैक पार्ट, इनर ईयर का पार्ट एंड टंग का बैक पार्ट। देन उसके बाद क्या करती है, ये जो हमारा टंग का बैक पार्ट होता है उसमें टेस्ट का सेंसेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ टेस्ट फॉर द बैक पार्ट ऑफ योर टंग। हमारे टंग के बैक पार्ट में सेंसेशन प्रोवाइड करती है फॉर द टेस्ट के लिए। अब ये लोकेटेड कहाँ होती है,
अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टीम कॉल्ड मेंडुला ऑब्लॉन्ग गेटा, मतलब ब्रेन स्टीम के एक पार्ट जिसे हम मेंडुला ऑब्लॉन्ग गेटा कहते हैं ये वहाँ सिचुएटेड होती है। देन नेक्स्ट इज वेगस नर्व। वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन या सेंसेशन के लिए जो कि हमारे ईयर कैनाल या पार्ट ऑफ योर थ्रोट के लिए, जो ईयर कैनाल या फिर थ्रोट का जो पार्ट होता है उसमें सेंसेशन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है वेगस नर्व। अब ये नर्व और क्या करती है, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो हमारा वेगस नर्व है इसे लॉन्गेस्ट पाथवे ऑफ क्रेनियल नर्व कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी क्रेनियल नर्व को या फिर ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसे लॉन्गेस्ट पाथवे ऑफ क्रेनियल नर्व कहा जाता है, तो वेगस नर्व को लॉन्गेस्ट पाथवे ऑफ क्रेनियल नर्व कहते हैं। देन आगे क्या है, सेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन्स इन योर चेस्ट एंड ट्रंक, जो हमारे चेस्ट और ट्रंक है इनकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन टू सेंड करती है, और सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे ऑर्गन्स कौन कौन से सच एज हार्ट एंड इंटेस्टाइन, मीन्स हार्ट और इंटेस्टाइन जो हमारे ऑर्गन है चेस्ट एंड ट्रंक ऑर्गन, इनकी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को प्रोवाइड करती है। देन जो थ्रोट के जो मसल्स हैं इन मसल्स को भी कंट्रोल करके रखती है। इसके बाद स्टिमुलेटिंग द मसल्स ऑफ ऑर्गन इन योर चेस्ट एंड ट्रंक इंक्लूडिंग दोज दैट मूव फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, साथ ही साथ ये उन मसल्स को भी स्टिमुलेट करती है हमारे चेस्ट में या ट्रंक में जो ये साथ ही साथ चेस्ट और ट्रंक की मसल्स को भी स्टिमुलेट करती हैं, इंक्लूडिंग वो मसल्स भी इसमें आते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्प करते हैं, मीन्स फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को जो कंप्लीट करने में जो मसल्स हेल्प करते हैं ये उनको भी स्टिमुलेट करती है, हम ये भी कह सकते हैं। देन ये जो हमारा टंग होता है उसके रूट पे टेस्ट सेंस टेस्ट का सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, हमारे टंग के रूफ पे टेस्ट का सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है कौन सी नर्व, वेगस नर्व। देन अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट पाथवे है, अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्गेस्ट पाथवे है तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो लॉन्गेस्ट पाथवे है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो हेड टू एब्डोमिन ये एक्सटेंड करती है। अभी लोकेटेड कहाँ होती है, पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड मेंडुला। देन एसेसरी नर्व जो होती है वो हमारे नेक के मसल्स को कंट्रोल करती है, नेक के मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व कौन सी नर्व है, एसेसरी नर्व। देन अब जो ये मसल्स होती है, जो इसमें मसल्स होती हैं ये मसल्स अलाउ करती हैं यू टू रोटेट फ्लैक्स एंड एक्सटेंड योर नेक एंड शोल्डर, जो इसमें मसल्स हैं जिस मसल्स को ये कंट्रोल कर रहा है ये मसल्स हमारे शोल्डर और नेक को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, रोटेट करती हैं एंड एक्सटेंड करती हैं। एसेसरी नर्व का क्या काम है, नेक के मसल्स को कंट्रोल करना। देन अब ये लोकेटेड कहाँ होती है, मेडुलन ऑब्लन गेटा में। देन लास्ट क्रेनियल नर्व इज हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ टंग, टंग की सब कई मसल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकेटेड कहाँ होती है, स्टार्ट होती है मेडुलन ऑब्लन गेटा से एंड मूव डाउन टू जॉ तक मूव करती है, और लास्ट में जाके ये हमारे टंग से मिल जाती है। स्टार्ट होती है मेडुलन ऑब्लन गेटा से, जॉ तक जाती है एंड लास्ट में टंग से मिल जाती है। अब एक बार फिर से हम सारा देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं। गाइज ये रहा उसका डायग्राम क्रेनियल नर्व्स का, ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग,
देन ऑप्टिक नर्व स्मेलिंग फॉर साइट या विजन, देन ऑक्युलोमोटर नर्व, ऑक्युलोमोटर नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट एंड मसल्स फंक्शन. इसके टू फंक्शन थे, मसल्स फंक्शन एंड पीपल रिस्पॉन्स. फर्स्टली में मसल्स रिस्पॉन्स में क्या था, आई के अराउंड जो 4 to 6 मसल्स होते हैं उनको मोटर फंक्शन प्रोवाइड करती है, और ये जो मसल्स होती हैं ये आई को मूव करने में और ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में हेल्प करती हैं. देन पीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, प्यूपिल को, पीपिल के साइज को कंट्रोल करती है. लोकेटेड कहाँ है, फ्रंट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन या जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. देन ट्रंकलियर नर्व क्या है, ट्रंकलियर नर्व सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करती है. ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट के लिए. लोकेटेड कहाँ होती है, बैक पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन. देन ट्राइज ए माइनर नर्व, लार्जेस्ट नर्व होती है क्रेनियल नर्व में. देन इसे, इसके थ्री पार्ट्स है, ऑप्थेलमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. ऑप्थेलिक, ऑप्थेलमिक में हमारे फेस के अपर पार्ट को कंट्रोल करती है, मैक्सिलरी में मिडिल पार्ट को, मिडिल पार्ट का सेंसेशन सेंड करती है ब्रेन को. देन मैंडिबुलर में लोअर पार्ट का. और ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स को, सॉरी जॉ और ईयर को जो मसल्स होते हैं उसका मूवमेंट के लिए. मैक्सिलरी सॉरी मैंडिबुलर नर्व लोकेटेड कहाँ होती है, मिड ब्रेन एंड मैंडुलर रीजन में, जिसे जो कि ब्रेन स्टीम में होता है. देन एब्डक्शंस नर्व ये कंट्रोल करती है मसल्स को जो कि एसोसिएट होती है आई मूवमेंट में, जिसे हम लेटरल रेक्टस मसल्स भी कहते हैं. मसल्स इन्वॉल्व इन आउटवर्ड आई मूवमेंट लोकेटेड होती है पॉन्स रीजन ऑफ योर ब्रेन स्टीम. देन फेशियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन और जॉ के मसल्स में, जॉ के मसल्स के मूवमेंट में. देन हमारा जो टंग होता है उसको टेस्ट के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करती है. देन नेक्स्ट क्या है, सप्लाई करती है ग्लैंड्स की हेड और नेक में. और कौन कौन सी वो ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. देन क्या करती है, आउटर पार्ट ऑफ ईयर को कम्युनिकेशन सेंसेशन प्रोवाइड करती है. लोकेटेड कहाँ होती है, पॉन्स एरिया ऑफ ब्रेन स्टीम में. देन वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व इन्वॉल्व होती है हियरिंग एंड बैलेंस के लिए. टू पार्ट्स हैं इसके, कॉकलियर पोर्शन एंड वेस्टिबुलर पोर्शन. कॉकलियर पोर्शन में क्या करती है, वाइब्रेशन या फिर साउंड को डिटेक्ट करवाती है. एंड फिर वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर पोर्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, मूव योर हैंड. देन लोकेशन कहाँ है इसका, स्टार्ट होती है ब्रेन के उस पार्ट से जिसे हम इन्फीरियर सेरिबुलर पेंडुल्स कहते हैं, ग्लास्कोफेरिंजियन नर्व. ये क्या करती है, सेंसेशन इन्फॉर्मेशन भेजती है हमारे सेंसेस की. सेंसेस कौन कौन से, बैक ऑफ योर थ्रोट, पार्ट ऑफ योर इनर ईयर एंड बैक पार्ट ऑफ योर टंग. और क्या करती है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ टेस्ट फॉर द बैक पार्ट ऑफ योर टंग. टंग के बैक पार्ट में सेंसेशन प्रोवाइड करती है. लोकेटेड कहाँ होती है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में. गाइस ये हम रिवाइज कर रहे हैं, इसके पहले अभी हमने पूरा वीडियो बिल्कुल डिटेल में देखा था, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में देखा था. अब हम सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि किस किस चीज़ के लिए कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है. वेगस नर्व किस चीज़ किस के लिए है, ईयर केनाल एंड पार्ट ऑफ योर थ्रोट के लिए, सेंसेशन के लिए. देन ये हमारे चेस्ट या फिर जो ट्रंक के जो ऑर्गन है उनको सेंसेशन प्रोवाइड करती है, और वो ऑर्गन कौन कौन से है, हार्ट एंड इंटेस्टाइन. देन मोटर कंट्रोल करती है मसल्स को, थ्रोट के जो मसल्स होते हैं उनको मोटर कंट्रोल करती है. देन इस जो चेस्ट और ट्रंक के जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, और ऑल्सो उन मसल्स को भी जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर पैरास्टाल्टिक मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं. और सेंस प्रोवाइड करती है रूट को, टंग के रूट को सेंस प्रोवाइड करती है. इसे हम लॉन्गेस्ट पाथवे ऑफ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं. लोकेशन कहाँ है, ब्रेन स्टीम कॉल्ड मेडुला. एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे नेक के मसल्स को कंट्रोल करता है. और ये जो मसल्स होती हैं ये अलाउ करती हैं रोटेशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हमारे नेक एंड शोल्डर का.
लोकेटेड कहाँ है, मिडला और लिंगेटा में। देन हाइपोग्लाइसल नर्व क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टंग के मसल्स के लिए, ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, स्टार्ट होती हैं मिडला और लिंगेटा से और मूव डाउन करती हैं जॉ के लिए और पहुँच जाती हैं टंग तक। तो गाइस आपके लिए अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो और अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी मिस पॉइंट हुआ हो या फिर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए मेरे वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।